नमस्कार, मैं हूं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और आप सोचेंगे पीछे लाल कपड़ा किस चीज़ का दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूं। आज मैं हूं चरखी दादरी के रामलीला ग्राउंड में, और रामलीला ग्राउंड में आज मैं पहुंचा हूं इसलिए क्योंकि आज से रामलीला का शुभारंभ हो रहा है। पिछले साल रामलीला कोरोना काल के चलते नहीं हो पाई थी, लेकिन अब की बार रामलीला का मंचन चरखी दादरी के रामलीला ग्राउंड में किया जा रहा है। हर साल लगातार इसी रामलीला ग्राउंड से रामलीला का मंचन किया जाता है। तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और शहरवासी रामलीला का यहाँ से आनंद लेते हैं। रामलीला जो कि राम के चरित्र को दर्शाती है, राम के चरित्र से लोग कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, सीता जी के चरित्र से प्रेरित होते हैं। और तो और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि रामायण के हर उस पात्र से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के अपने घर जाते हैं, और उसी प्रेरणा को देने का कार्य कुछ कलाकारों के माध्यम से यहाँ इसी जगह से किया जाता है। रामलीला ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। श्री रामलीला कमेटी चरखी दादरी का ये मुख्य स्टेज है, और अभी इस स्टेज की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। इन स्टेज पर क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, अंदर चलेंगे और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसी के बारे में जानेंगे। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि चरखी दादरी में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है आज से, और आप सभी लोग भी यहाँ पर पहुँचें, रामलीला का आनंद लें। और सभी पात्रों के जो भी आप उनसे सीख सकते हैं, सभी पात्रों से उनसे कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएं, कुछ प्रेरणा लेके जाएं, अपने जीवन में उस प्रेरणा को धारण करें। अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर आपको सीधे दिखाऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है। आज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आज यहाँ पर गणेश पूजन से आज की जो रामलीला है वो शुरू होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर शुरू की जा चुकी हैं। देख सकते हैं यहां पर बाकायदा एक सिंहासन लगाया गया है, और ये सिंहासन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज गणेश पूजन है, उसी गणेश पूजन को लेकर के ही ये सिंहासन लगाया गया है। साथ ही साथ आपको मैं सबसे पहले मिलवाता चलता हूँ, यहाँ पर कलाकार हैं जो इस पूरी रामलीला के दौरान म्यूज़िक का जो काम करेंगे वो कलाकार यहाँ पर हैं। अंदर भी आप देखेंगे साउंड के लिए जो भी पूरा सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, आपको अंदर तक भी दिखा देता हूँ, तमाम वो सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि जो आवाज़ है बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँच सके। कुछ कलाकार जो हैं यहाँ पर, चाहे हमारे यहाँ के म्यूजिशियंस हैं, उन्हीं से ज़रा बात करते हैं कि उनके द्वारा जो पूरे रामलीला मंचन के दौरान में जो कार्य किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा और कैसा इनका अनुभव रहता है हर साल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, कैसा रहेगा आपकी बार रामलीला का मंचन? रामलीला का मंचन बहुत बढ़िया रहेगा, हर साल की भांति अब भी अच्छा ही रहेगा जी। म्यूजिक का बड़ा ही अहम रोल होता है रंगमंच में, और रंगमंच में आज आप यहाँ पर रामलीला में म्यूजिक देने के लिए आए हैं, कैसा रहे? बहुत बढ़िया। और हम कई सालों से, कई वर्षों तो मेरे पिताजी ने श्री गोपी राम जी, उन्होंने अपनी सेवा दी और उनके आशीर्वाद से ही हम भी अपनी छोटी मोटी सेवा दे रहे हैं कई सालों। बिल्कुल। और सुन सकते हैं आप कि जो म्यूज़िक जो है यहाँ पर इन कलाकारों के द्वारा दिया जाएगा, कुछ तैयारियों के बारे में भी ज़रा जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं? जी तैयारी, फुल तैयारी कर रही है जी रामलीला की। बिल्कुल, स्टैंडर्ड पर्दा पर्दा फुल तैयारी है, रामलीला चालू होने वाली है 10-15 मिनट के अंदर जी। आज क्या कुछ होने वाला है? आज गणेश पूजन है, शिव पार्वती का विवाद है और पार्वती नारद का पर्व है जी। तो आप समझ सकते हैं गणेश पूजन है, शिव पार्वती विवाह है, और जो बाकी जो पर्दे हैं वो भी यहाँ पर होंगे, और आज से उनकी शुरुआत कर दी गई है। आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ, चरखी दादरी का जो रामलीला ग्राउंड है और ये मंच है उसका, और इसी मंच के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर काफ़ी सारे पर्दे लगा गए हैं जो पीछे बैकग्राउंड का कार्य करते हैं, और इन पर्दों को जब भी जैसी भी बैकग्राउंड चाहिए होती है वैसा ही यहाँ पर उनको लगा दिया जाता है। इसके अलावा दिखाता हूँ कि क्या कुछ तैयारियाँ और यहाँ पर की जा रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पीछे बैक स्टेज है, बैक स्टेज क्योंकि आप सभी लोग समझ सकते हैं बैक स्टेज में सभी जो तैयारियाँ होती हैं वो सभी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। बाकायदा जो भी कलाकार हैं
वो यहाँ पर तैयार होते हैं, कुछ लोगों से बात भी कराएंगे और हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं जो रामलीला कमेटी के जो प्रधान हैं, हमें वो भी दिख रहे हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे और उसके बाद जो तमाम जो तैयारियाँ हैं उनके बारे में भी जायज़ा लेंगे। सबसे पहले रामलीला कमेटी के प्रधान अमृतराज चाहते हैं जी, सर क्या कुछ तैयारियाँ आपकी बार की गई हैं? अब हमारे आज से रामलीला का शुभारम्भ है, गणेश पूजन होगा और उसके बाद शिव पार्वती समाध और नारद मोह, और बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। हमारे कलाकारों ने 15 दिन तक रिहर्सल करी है और उनसे बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। हम गणेश जी महाराज से आज प्रार्थना करेंगे लीला का हमारा बढ़िया शुभारंभ हो और समापन बहुत ही बढ़िया हो जी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज 4 तारीख है और 4 तारीख को आज से जब ये शुरू हो रही है तो 15 तारीख जो विजयदशमी है उस दिन दशहरा के दिन जो रावण दहन तक का जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद अगले दिन राज्याभिषेक तक का जो कार्यक्रम है वो इस रामलीला मंच से सभी को प्रदर्शित किया जाएगा, सभी को उसके दर्शन कराए जाएंगे बाकायदा। और जैसे कि मैंने कहा कि आप हर एक पात्र से कुछ ना कुछ सीख लेकर के आप घर जाएंगे। पिछले आप बता रहे हैं 15 दिन से रिहर्सल चल रही थी, रिहर्सल कैसी नहीं? बहुत बढ़िया रिहर्सल रही, कलाकारों ने बहुत बढ़िया मेहनत कर रखी है और हमारा स्टेज की परंपरा रामायण के हिसाब से रामलीला चलती है, 5 रामायण मिला के हमें रामलीला करते हैं और बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया तैयारी करी है कलाकारों ने। स्टेज के ऊपर हमारा कोई मतलब प्राउटिंग नहीं चलती, फुल कंटेक्स्ट याद होता है सब कुछ कलाकारों के जी। और तो मैं कुछ जानना चाहूँगा, पिछले साल नहीं हो पाई थी रामलीला, आपकी बार एक साल के बाद वापस से हो रही है, कितनी खुशी है मन में? देखो पिछले साल कोरोना काल के कारण रामलीला हम नहीं कर सके, एक की बार लोगों में बड़ा उत्साह है रामलीला करने का और रामलीला देखने का भी। मैंने बाजार की तरफ से ये सोचा था कि एक की बार भाई चंदा में कुछ कमी आएगी और मैं बाजार में निकला चंदा करने, हमारी टीम निकली तो बाजार में बढ़ चढ़ के लोगों ने चंदा दिया है, कोई मतलब बाजार में कंजूसी नहीं करी चंदे में, किसी ने नहीं के भी कोरोना काल चल रहा है या काम मंदा है, सभी लोग तैयार थे चंदा देने पे और सभी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है जी, आप रामलीला करो, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे और हम रामलीला देखने भी आएंगे जी। तो अब की बार कुछ कलाकारों में बदलाव किया गया? हाँ कुछ बदलाव किया गया, कलाकार जो कुछ नए आए हैं, नए लड़के उभर के आए हैं और हम चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी जो नई होगी और हमारे बुजुर्ग जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं हमारे बीच में वो हैं अब तक, जो कि पूरी पूरी रात बैठकर अपना मतलब जो ड्यूटी करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्टेज कवि हमारे जो राधेश्याम बिकानेरिया जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। मैंने पिछली बार भी देखा था, बिल्कुल पूरा स्टेज संभाल के रखते हैं, आज भी हमारे बीच में है तो जी बहुत ही उत्साह है आपके बाजार में भी और कलाकारों में भी जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जिसको नहीं पता है, हमने जब एक साल पहले जब रामलीला का मंचन किया गया था तो उस दौरान में आपको हमने पूरी की पूरी जो रामलीला है वो हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखाई थी, आप उस रामलीला को भी देख सकते हैं। और अब की बार भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो रामलीला का मंचन है वो आपको पूरा दिखा पाएँ। और जैसे कि अभी प्रधान जी बता रहे थे कि राधेश्याम जी वो मंच संचालित करते रहे हैं और जरा उनसे भी जान लेते, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए जी। राधेश्याम जी हर बार एक मंच संचालन का काम आप कर रहे हैं, लगातार हर चीज़ को आप कंठस्थ किए हुए हैं, अब की बार जब एक साल के बाद दोबारा से यहाँ इस मंच पर पहुँचने का मौका मिला है तो अब की बार क्या और खास होने वाला है? रामलीला में हमेशा नया ही होता है क्योंकि यहाँ से जो कलाकार निकलते हैं वो आगे जाके बहुत बड़े कलाकार बन जाते हैं क्योंकि यहाँ शुरुआत होती है और रामलीला रामचरितमानस पर चलती है, यही एक ऐसी रामलीला है जो चौपाइयों के आधार पर चलती है, तो इससे मतलब बच्चों का मतलब वो भी सुधार भी होता है आचरण में और फिर उनको एक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से वे बड़े बड़े कलाकार होकर के निकलते हैं जी। और जिन्होंने यहाँ पाठ किए हैं वो ये गुरुओं की स्टेज है, इसके प्रति
उनकी बड़ी भारी श्रद्धा है, उन्होंने पाठ किए फिर उनके बच्चे कर रहे हैं। हर साल बदलाव तो होता ही रहता है कलाकारों में, हम भी चाहते हैं हर साल कोई नया प्रदर्शन करें, और उसी की प्रेरणा से हर साल नया उत्साह होता है जब भी रामलीला शुरू होती है। और इस बार फिर जो नए कलाकार हैं उनको क्या कहोगे? वो और भी अच्छी लगन से काम करेंगे, जो नया कलाकार होगा वो और भी अच्छी लगन से काम करेगा और उसका प्रदर्शन और भी अच्छा रहेगा। जितना बच्चा नया होगा उसकी आवाज़ भी पैनी होगी, उसकी याददाश्त भी अच्छी होगी, और फिर भगवान की आशीर्वाद है। यहाँ पर जो रामलीला होती है वो 80 वर्षों से होती है जी। और हमने वो रामलीला के कई रूप देखे हैं, बड़े बड़े कलाकार देखे, बड़े बड़े जो है ना हमारे बुजुर्गों ने जो यहाँ इस चीज को चलाया, तो उससे मतलब ये है कि मानी हुई एक नंबर की रामलीला शहर की मानी गई है। ये कोरोना की वजह से पिछले साल बंद हो गई थी, लेकिन कभी बंद नहीं हुई, और कभी इसके अंदर मतलब हर बार नया कुछ देखने को मिलता है जी। तो ये हाँ, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि यहाँ जो काम होता है वो श्रद्धा से होता है। हम जिनको स्वरूप का पाठ देते हैं उनको पहले कहते हैं, देखो भाई अब तुम स्वरूप बन गए हो, कोई धूम्रपान नहीं करोगे, कोई किसी किस्म के गलत विचार गलत आदमियों में नहीं बैठोगे, धरती पर शयन करोगे, क्योंकि यहाँ छोटे से लेकर बड़ा तक भगवान को समझ के पूजता है, उनके चरण पकड़ता है, 100 साल का भी 2 साल का भी जी। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप जो है ना जितनी श्रद्धा से रामलीला को करोगे उतना ही लोगों के ऊपर आपका मतलब असर होगा और आपके आशीर्वाद का उनको फल मिलेगा जी। बिल्कुल, तो अच्छा आचरण के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं जी। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चरखी दादरी में जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो एक स्कूल टीचर भी हैं, और जाहिर सी बात है एक स्कूल टीचर हमेशा हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है, और वो जो स्कूल टीचर हैं वो यहाँ पर राम का किरदार निभा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी प्रेरणा के स्रोत हैं, और जाहिर सी बात है राम का जो किरदार है वो भी प्रेरणा का स्रोत है। तो यहाँ अब आपको मैं एक बार और भी दिखा दूँ, जो रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, और आपको ये भी मैं दिखाऊँगा कि कौन कौन व्यक्ति किस किस रोल को कर रहा है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखा दूँ, एक झलक भर दिखा देता हूँ कि अंदर जैसे आप देख पाएंगे जो पात्र हैं वो बाकायदा यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, और उसके अलावा भी कुछ लोग जो हैं कुछ शहरवासी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उन शहरवासियों से भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, क्या कुछ लग रहा है अब की बार जो रामलीला दोबारा से शुरू हो रही है, एक साल बीच का गैप रह गया, अब की बार कैसा लग रहा है? पहले तो सुमेश जी आपके चैनल के द्वारा सभी दादरी की जनता को हम प्रणाम करते हैं जी, नमस्कार। और आज जो रामलीला का मंचन, शहर रामलीला का मंचन जो आरंभ हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा मंचन आप लोगों के द्वारा आपके चैनल के द्वारा सभी लोगों को देखने में मिलेगा, और बहुत ही अच्छा कलाकार मंजे हुए दादरी के कलाकार इस रामलीला में मंचन कर रहे हैं जी। जी, मुझे अभी पता चला कि आप चेयरमैन भी हैं इधर। हाँ जी जी, धन्यवाद। की बार क्या कुछ स्पेशल आपकी तरफ से करवाया जा रहा है? स्पेशल तो ये कम से कम व्यवस्था जो है ना ग्राउंड के अंदर या हमारी स्टेज के ऊपर वो मर्यादा पूर्ण, हम जो मतलब जनता के अंदर जो भगवान राम मर्यादा का जो उन्होंने अपना जो खुद जो धरती पे उन्होंने अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम कलाए, हम भी चाहते हैं स्टेज पे वही मर्यादा वही ग्राउंड के अंदर देखने वालों में और करने वालों में वही मर्यादा देखने को मिले, यही हमारी पूरी कोशिश है, और आपके सहयोग से सरकार के सहयोग से जनता के सहयोग से शायद हम उसको पूरा भी करेंगे। ठीक है, कलाकार अब की बार कैसे आए हैं, हम उनके बारे में जो आपसे जानना चाहेंगे। कलाकार सारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने तैयारी की है, जो हमारे डायरेक्टर हैं हरीश जी उनके नेतृत्व में उनकी जो उन्होंने तैयारियां करवाई है कलाकारों को, बहुत अच्छी तैयारी है, और वैसे भी मंझे हुए कलाकार है सब दादरी में, दादरी कलाकारों की भूमि है, और खासकर हीरा चौक तो नमन है इस भूमि को कि बहुत अच्छे ही कलाकार आपके चैनल द्वारा सभी जनता उनका मंचन देखेगी जी। मैं चाहूंगा एक बार डायरेक्टर से भी मैं मिलूं, अगर यहां पर उपलब्ध हैं तो, अगर उपलब्ध हैं तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध हैं यहाँ पे। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसा रहा? पहली बात तो कि जो 15 दिन की रिहर्सल का जो समय रहा वो,
हमारे कलाकारों ने पूरी मेहनत के साथ बड़े ही तन्मय मन से अच्छी रिहर्सल की है और उसका परिणाम आज आप देखेंगे स्टेज के ऊपर आएगा। जी बिल्कुल, हम उस स्टेज पर हम भी देखेंगे और जनता तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बढ़िया जो आपको बात लगी इन कलाकारों में, क्या लगी आप? सबसे बढ़िया यही है जी, हमारी स्टेज की एक क्या नाम है, मान्यता है, यहाँ पर कोई भी कलाकार पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अपना रोल करता है, सबसे बड़ी यही स्टेज की खासियत है। चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए, और डायरेक्टर की जो मेहनत होती है काफ़ी रंग लेकर के आती है, और हम भी चाहेंगे कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर के आए। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, वो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं कि भगवान की लीला निर्विघ्न पूरी हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। जी कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे 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 भी जरा बात करेंगे। जी सर जी, पूर्व प्रधान हैं और बात करते हैं जी, क्या कहेंगे अब 2 साल के बाद वापस शुरू हो रही है ये। सन 1926 से रामलीला दादरी का इतिहास है, कुछ कारणों के बीच में थोड़ा ये एक बार बंद हो गई थी, लेकिन इस जो ये स्टेज हमारा जो यहाँ पे आया है, भगवान ने उसको इतना आशीर्वाद दिया है, पीछे मुड़ के नहीं गए हैं। हमारे फादर थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बड़े बैठे हैं, हम तो बहुत छोटे छोटे ग्राउंड में बैठे करते उस टाइम जब हमने देखा रामलीला को। आज उस इस स्टेज की बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और जो यहाँ आ गया उसने मुड़कर जिंदगी में वो बहुत आगे गया है, जो सच्चे ईमानदारी से यहाँ आया है और ईमानदारी से इस स्टेज को उसने पूजा है, वो कभी पीछे हटके नहीं गए हैं जी। और हमारे पूर्वजों के और हमारे आदरणीय बैठे हैं इनका आशीर्वाद से, और हम कहते हैं भगवान इस लीला को, इस स्टेज को एक इतिहास बनाए रखें। जो यहाँ आए सच्चे दिल से आए, बिल्कुल साफ सुथरा रहे, और भगवान मेरे ख्याल में मेरी इतिहास में तो इतना लंबा 1926 से ये जो लीला चल रही है और ये चलती रहे, काफी भावुक दिखाई दे रहे हैं आप हमें। मेरे फादर भी बहुत साल यहाँ रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, मैं भी प्रधान रहा हूँ, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ यहाँ पे जी। और हमने तो इससे बहुत बड़ा सिक्का है जो आज हम है, हमारे ये बड़े बैठे हैं जी, इनकी बदौलत से हम भगवान कहते हैं ये लीला चलती रहे और दादरी का नाम ऐसे ही रोशन रहे। जी बिल्कुल, तो दादरी का नाम ऐसे ही रोशन होता रहे ये हर एक व्यक्ति चाहता है। और हम आपकी अभी कुछ बातें कराएंगे कि जो यहाँ के जो कलाकार हैं, जो भगवान राम के किरदार में हैं, गणेश जी के किरदार में हैं, रावण के किरदार को निभाएंगे, उन कलाकारों से भी आपको हम बात करवाएंगे। आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा कि ऊपर अलग से इसी के चीज़ के लिए जगह बना रखी है, हम भी ज़रा ऊपर ही चलते हैं और ऊपर जा कर के ही हम उनसे ज़रा बातें करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को तैयार किया जा रहा है, अलग अलग जो कलाकार हैं उनको सबको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और कुछ अंदर भी यहाँ पर हैं और उनको भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अंदर एक रूम और है, उनसे भी ज़रा बातें करेंगे। लेकिन हम जितना देख पा रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मी जी के अवतार को और रिद्धि सिद्धि के जो अवतार को यहाँ पर लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। ज़रा उन्हीं से ज़रा सबसे पहले बात करके देखते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ जो तैयारियाँ हैं और क्या कुछ आज जैसे रामलीला शुरू होगी तो उससे पहले क्या कुछ अब उनके मन में जो चल रहा है। जी नमस्कार, आप भी बता दो कि क्या कौन सा रोल निभा रहे हैं? पार्वती का रोल निभा रहे हैं। देखिए पार्वती का रोल निभा रहे हैं, और आपको पार्वती का पूरा गेटअप भी दिखा दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा जो गेटअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो पूरी रामलीला है उसको आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो और भी बात करते हैं जी, आप किस चीज़ का? गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि का रोल निभा रहे हैं, तो रिद्धि सिद्धि का रोल निभा रहे हैं, और आज जो पहला ही पर्दा है वो इन्हीं का है जी। पहले पर्दे से पहले काफ़ी मन में एक धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो क्या महसूस हो रहा है आज? अच्छा महसूस हो रहा है। तैयारियाँ पूरी हैं? हाँ। जो रिहर्सल्स हुई उनमें पूरी तैयारियाँ की गई हैं? पूरी है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो तैयारियाँ हैं वो की गई हैं,
कुछ अंदर भी हैं, उन लोग सबसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस दौरान में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं अंदर उनसे भी ज़रा हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ तो भगवान राम के किरदार के लिए, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि भगवान राम के किरदार में जो निभा रहे हैं वो टीचर हैं, तो वो हमारे साथ हैं। नमस्कार। और सबसे पहले तो अभी मेरे हाथ दोनों हाथ भरे हुए हैं, लेकिन आपको चरण वंदना, क्योंकि जाहिर सी बात है, आशीर्वाद है आपके लिए जी। और यहाँ पर आपसे ही जानना चाहेंगे शुरुआत में, टीचर भी हैं और टीचर के साथ साथ एक राम का किरदार आपको मिला हुआ है, क्या राम के किरदार के साथ कैसे पूरा आप जो भी उनका किरदार था, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर या फिर एक पत्नीवर्ता व्यक्ति के तौर पर, तो कैसे उस चीज़ को सारे को निभा पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ यहाँ पर वो सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं जो राम के ऊपर थे और उसी तरह का व्यवहार करना पड़ता है, तो आप कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि इनके नाम से विदित है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि जिसका जीवन ही मर्यादित हो उसको अपने जीवन में भी आदर्श मर्यादा का ही पालन करना चाहिए। मैं पिछले 11 वर्षों से भगवान राम का अभिनय कर रहा हूँ, तो मेरा जो व्यवहारिक जो मेरा जीवन है, मेरा जो सांसारिक जीवन है, मैं उसमें भगवान राम के जो आदर्श हैं उनको उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हमारी रिहर्सल शुरू होती है 15 दिन पहले, उसके बाद में हमारे यहाँ ध्वजारोहण होता है, तो ध्वजारोहण के बाद में हमारा सदाचारी जीवन शुरू हो जाता है। जमीन में हम सोते हैं, प्याज लहसुन हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, और जो भगवान राम का जो आदर्श रूप था बच्चों के प्रति या समाज के प्रति या प्रजा के प्रति या किसी के प्रति भी हो, हम वैसा ही मर्यादित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और मैं आज आपको बता दूं, भगवान विष्णु के किरदार में मुझे आज शायद नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि पहला पर्दा है और भगवान राम का जन्म जब तक होगा उससे पहले भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक रूप जो है वो भगवान राम थे, और जाहिर सी बात है वही सारी जो लीलाएं जो हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा आपको दिखाई जाएंगी। तो जरा थोड़ा सा और भी जानते हैं, रिहर्सल कैसे रही थी और अब आगे का जो कार्यक्रम रहेगा वो कैसा रहेगा, रिहर्सलों में कैसा रहा? रिहर्सल में हमें बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ लगभग 8 बजे आ जाते हैं और 8 से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक हम यहाँ रिहर्सल करते हैं। उसके बाद जो भी हमारी कमी रहती है हम वो दिन में या कैसे भी अपने साथियों से या डायरेक्टर साहिबान से संपर्क करके हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं, हम रोहतास गुप्ता हैं हमारे, जो कि बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, उनसे मुझे राम के का जो रोल है उनकी प्रेरणा मिली है, और मेरे जीवन में जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है मैं उनका तहदिल से आभारी हूँ। जी बिल्कुल। और हम पत्रकार हैं तो दुनिया के पहले पत्रकार से भी ज़रा मिल लेते हैं। इधर हमारे साथ में ही नारद जी के रोल में हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं, लेकिन हम इनको कहेंगे कि हमारे पहले पत्रकार ही यही हैं, एक सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम जहां सतयुग से ही होता आया है, तो वो आज हम भी कर रहे हैं जी। पहले पत्रकार और नारद मुनि का नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। नारायण नारायण जी, शुरू में ही नारायण नारायण, और आज किसकी चुगली कहां पर की जाएगी जानना चाहेंगे। ये देखिए पहले से ही गोपनीयता रखी जा रही है, आज हम भी जानेंगे, क्योंकि आपस में तो चलता ही है, थोड़ी बहुत न्यूज शेयर करें आप हमसे भी आज हमारी भक्ति से कामदेव को हराया जाएगा। वाह जी वाह, सीधा कामदेव पर हमला। भाई आज के दिन कलयुग में कामदेव ज्यादा हावी है, लेकिन वही वाली बात है, लेकिन आज उनको हरा दिया जाएगा, सही बात है। नारायण नारायण जी, नारायण नारायण। और ये जो चीजें हैं ये आप लगातार यहाँ पर देखेंगे, चाहूँगा आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचें ताकि अच्छे प्रकार से आप लोग इस रामलीला को देख सकें, रामलीला के मंचन से कुछ ना कुछ आप लोग सीख करके जा सकें, इन पात्रों से कुछ ना कुछ सीख सकें, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से चाहूँगा। और भी कुछ नीचे लोग हैं, कुछ कलाकार हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से दिखाता हूँ कि जैसे आज का जो पहला पर्दा है वो गणेश पूजा से शुरू होगा,
तो गणेश जी की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, जरा उनसे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन हालांकि अभी कुछ थोड़ा सा टचअप जो है वो बाकी है, क्योंकि पूरे गेटअप में आने में काफ़ी समय लगता है और वो जो समय है वो थोड़ा सा लग रहा है। इस दौरान में हम और दूसरी जगह पहुंच के दूसरे कलाकारों से बात करते हैं। जी क्या, किस रोल में आज आप हैं? हाँ जी, किस रोल में आज? पार्वती के रोल में। पार्वती के रोल में आप हैं, तो क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं? हाँ जी, पूरी तैयारी है। जी जी बिल्कुल पूरी तैयारियाँ हैं, और ये एक बढ़िया चीज़ है कि पूरी तैयारियां हैं। और इधर जो टचअप है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बचा है अभी भी, और बात करेंगे कि क्या कुछ होगा और क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि सबसे पहले पर्दे पर गणेश जी को दिखाया जाता है, उनकी आरती होती है, और उसके बाद ही रामलीला का जो मंचन है वो पूर्ण रूप से स्टार्ट हो पाता है। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जी गणेश जी, प्रणाम। प्रणाम। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे यहाँ के आज जो गणेश जी बने हुए हैं चरखी दादरी में, उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ इन्होंने टेंट ना लगाया हो। और आज गणेश जी के अवतार में आप शायद पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इनका जो परिचय है अभी तो आप गणेश जी के तौर पर ही रखें, लेकिन उसके बाद जब ये इस किरदार से बाहर आएंगे तब आपको इनसे भी बात कराएंगे कौन हैं, कैसे हैं और क्या हैं। तो लेकिन अभी हम गणेश जी के तौर पर इनसे बात करते हैं, क्या कुछ तैयारियां आज हैं गणेश जी, क्योंकि सबसे पहला पर्दा है। मैंने अभी कुछ और कलाकारों से पूछा, दिल में धक-धक होती है कि सबसे पहले भी काम करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। जी कोई भी काम संपूर्ण जब होता है जब गणेश जी खुश होते हैं, इस कारण हम सबसे पहले गणेश जी को मना रहे हैं। और भगवान का आदेश हुआ है कि गणेश जी का पात्र मैं हूँ। जी अभी थोड़ी देर में मंचन होगा और गणेश जी की पूजा की जाएगी। जी तो अब की बार की रामलीला को कितना सफल बनाएंगे आप लोग? ये तो परमात्मा का, आपका और हम सबका मिलकर सहयोग होगा तो अच्छी से अच्छी होगी। दादरी की रामलीला में मैं, मेरी तीसरी पीढ़ी है, मेरे दादाजी ने शुरू किया था, और अब आप लोगों की मेहरबानी और कलाकारों की साथियों की मेहरबानी से मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और बिल्कुल तैयारी है और हर तरीके से तैयारी है, और जैसे जैसे तैयारी बढ़ती जाएगी तो उसी के बाद जो रामलीला का जो मंच है वो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, वो सजना शुरू हो चुका। पर्दे जहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पर्दे लगाने शुरू हो चुके हैं, और इस दौरान में इन कलाकारों को जो लोग तैयार कर रहे हैं, जरा उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। जी सबको तैयार कर रहे हैं, और क्या कुछ अब लग रहा है कि जो रामलीला है वो कैसी जाएगी? देखो जी, ये रामलीला हमारे यहाँ काफी सालों से चल रही है जी, और यहाँ के जो पात्र हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे अपने अभिनय करते हैं, क्योंकि देखिए किसी को भी तैयार करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, और उस गेटअप में लेकर के आना कि जिसमें देवता को देवता लगे, राक्षस राक्षस लगे, वो एक कलाकार जो है, वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो कर सकता है, वो आप काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है? हाँ जी, ये तो देखो जैसा जिसका रूप होता है ना, वो उस रूप के अंदर हमने मुश्किल आती है। हाँ जी मुश्किल आती नहीं, कोई मुश्किलें नहीं आती, हमारे कोई मुश्किलें नहीं आती। जी तो देख लीजिए कि कोई मुश्किल नहीं आ रही है, और हर बार जो है ये जो हैं कलाकार, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये सारे कलाकारों को तैयार करते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट और भी हैं, जरा उनकी भी भावनाएं थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं। जी हर किसी को उनके रूप में लाना बड़ा मेहनत का काम होता होगा? मेहनत का काम तो है ही जी, बाकी आदत पड़ी है, हमें हर साल करते हैं। कितने साल से कर रहे हो? काफी साल हो गए जी, शीशे में लगे थे, शीशे का टाइम में देखो कितने साल हो गए, कम से 30 साल करीब हो गए। ठीक है, एक ही जगह पर इतने साल तक रुकना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे रुके? जी मेहनत करनी पड़ती है, वही बात है, थोड़ा शौक है, अपने शौक के हिसाब से करते हैं जी, शौक के हिसाब से चल रहे हैं, शौक के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए देखिए, शौक है और शौक को ही अब कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है ये जो शौक है ये ही हर एक व्यक्ति को आगे आगे लेकर के जाता है, और उसी के चलते ही ये जो रामलीला का मंचन है ये यहाँ पर संभव हो पाता है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूँ कि सभी के सभी को तैयार यहाँ पर किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी तैयार हैं। और तो और, इनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं, सहयोगी स्टाफ भी होता है,
सहयोगी स्टाफ से भी हम जरा बात करते हैं कि सहयोगी स्टाफ क्या कुछ करता है यहाँ पर। इनके सभी का खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, चाय कॉफी वगैरह दे दी जाती है। भाई साहब क्या जी नमस्कार, मैं मणिराम मस्ताना सर की दादरी से, यहाँ मैं 6 साल से चाय की सेवा दे रहा हूँ और सभी कलाकारों को एक अच्छी चाय बना के उनका उत्साह वर्धन करता हूँ ताकि वो समय पर आकर। तो आपको तो रात को 12 बजे तक भी परेशान करते हैं, करीबन करीबन 2 भी बज जाते हैं सर। अच्छा। देखिए 2 बजे तक हर एक कलाकार को चाय देना, उनकी उनके जो भी चीज़ों का ध्यान रखना बड़ी बात है और लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार की जाती रही हैं। और कुछ लोग और हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर पसीने में तरबतर नज़र आ रहे हैं भाई साहब, पसीना आ गया अभी से पहले? गर्मी बहुत काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है। हाँ जी ठीक है, अब की बार क्या क्या जो जौहर दिखाएंगे कलाकारी में? हर बार दिखाते हैं, बाली का है, कालदेव कालियादेव का है, आज आज कालियादेव के रोल में है। हाँ जी, और उसके बाद बाली का रोल किया जाएगा? बाली का है जी। जी तो देखिए हर एक जो भी डायरेक्टर साहब मेरे हुक्म देते हैं वो उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। अच्छा, हर चीज़ के लिए तैयार है, ऑलराउंडर भाई साहब, जबरदस्त स्टेपनी के तौर पे काम कर रहे हैं, जो जहाँ पर फिट बैठा वहीं पे लग गए हैं। यस यस यस, 11 साल सेवा में आ जी, 11 साल हो गए हैं। देखिए ये होता है एक कलाकार का जुनून, और ये जो कलाकार का जुनून है यही इनको आगे बढ़ाता है और लगातार कहीं ना कहीं हर बार हर साल एक नया एक जोश जो है इनको दिलाता है। और उस जोश के साथ यहाँ पर ये सभी लोग रामलीला का मंचन करते हैं। और मैं भी चाहूँगा आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, एक बार फिर से अपील करूँगा आप सभी लोगों से कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिए चरखी दादरी के रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू हो गया है और हर रोज़ आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप आइए पहुंचिए, और जो लोग नहीं भी पहुंच पाएँ वो मैं आपको बता देता हूँ, VTS लाइव एंजॉय चैनल के ऊपर YouTube चैनल है VTS लाइव एंजॉय, उसके ऊपर आप जा कर के पूरी रामलीला आप देख सकते हैं। और इस साल की भी जो रामलीला होगी वो भी आपको साथ के साथ हम दिखाते रहेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें 1 या 2 दिन का डिले रहे। अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो आपको बिल्कुल लाइव रामलीला दिखेगी। तो अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं, कुछ ही देर में जो रामलीला का मंचन होगा वो उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, आप देखिएगा और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर पहुँच करके ही उस रामलीला का आनंद ले पाएँ। तो अभी बस हम इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे हम हर रोज़ आपसे मिलते हैं वैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सोमेश ढाका VTS लाइव न्यूज़ के लिए। रवि भाई थोड़ा थोड़ा खुल जाए। करो जी करो। यजमान मस्तके शुभमंगलतिलकम् हरिओं मां स्वस्तिना इन्द्रो यजमान स्वस्तिना। तो सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन किया, तो और उसके बाद भगवान गणेश जी से वर मांगा कि जब तक लीला समापन न हो आप रिद्धि सिद्धि सहित यहाँ निवास करें तो हमारी लीला निर्वघन पूरी हो। तो गणेश जी महाराज ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया। श्री राजपाल जी फोगाट साहब जो कि पूर्व प्रधान रहे रामलीला के, अपनी नेक कमाई में से गणेश जी की भेंट।